ईश्वर का द्वार, धर्म का द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। अगर कोई शरीफ है तो इस वास्ते है, अजे चोरी करने का मौका नहीं बनया। छोटा मौका मिले है, वो गुरुद्वारे किसी दियाँ चप्पल ही चुरा के लै गया। वड्डा मौका मिले है, सारी गोलक हड़प कर गया। मौके की गल, छोटा मौका मिले है, एक बंदे नु लुटे है। वड्डा मौका मिले है, सारे परिवार नो लुटे है। और वड्डा मौका मिले है, सारी कौम नो लुटे है। और वड्डा मौका मिले है, सारे देश नो लुटे है। इस तो ज्यादा समर्थ है, सारी दुनिया नो लुटे है। इस दुनिया दे, दुनिया दे लुटेरे, देश दे लुटेरे, परिवार दे लुटेरे, कौम दे लुटेरे, व्यक्ति व्यक्ति दे लुटेरे मौजूद। समाज चोरां दा है, इन्ने ताले, साइकिल नूं ताला लाओ, कार नूं ताला लाओ, स्कूटर नूं ताला लाओ, दुकान नूं ताला लाओ, मकान नूं ताला, हर पासे ही ताले ही ताले। ते ताले संतां तो डरदे नहीं लाए जांदे, चोरां तो डरदे लाए जांदे। इहदा मतलब चोरी ते चोर हर जगह मौजूद है। गालबन 8-9 साल पुरानी गल है, इतिहासिक मंदिर है बनारस दे शिव जी का, मुकुट चोरी हो गया। तो उन्होंने मुकुट दे उते नीलम पन्ने जड़त सन, करोड़ों का मुकुट चोरी हो गया। सारे देश दे हलचल, यूपी दे के हलचल होनी सी, सारे यूपी दे बहुत वड्डे पद्धर ते हलचल है। इतिहासक वो कीमती मुकुट चोरी हो गया। 3 महीनों बाद वो मुकुट फिर पुजारी को लगे। 3 महीने अखबारों की खबर, टीवी की खबर, इदा मतलब जो पूजा कर रहा सी वह भी चोर से। बाद पता चलिया मुखिए भी नाल सन, तो मंदिर के जोड़े मुंतजम सन वह भी चोर सन। हद हो गए, समाज चोरां दा। जिन्हों मौका नहीं मिलिया, बस शरीफ है। जब मैनू कोई कहिंदा है, दो लफ्ज़ मैं कह दिया भी, फलाना ते बड़ा त्यागी है, मैं कहिंदा उन्हें हाथ मारन दा नहीं मौका मिलिया, आप ही त्यागी। फलाना ते बड़ा सदाचारी है, दुराचारी होने का मौका नहीं मिलिया, आप ही सदाचारी। खेड़ सारी मौके दी, मौका छोटा मिले है, छोटा चोर है। मौका वड्डा मिले है, तो वड्डी चोरी हो गई। इस वास्ते कहने चोर सारे इको जिहे आउंदे ने, चोरी छोटी होंदी है, चोरी वड्डी होंदी। इस पावन पवित्र वाग दे गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, चोर की हामा परे ना कोय। ये पहले पातशाह जी का वाक है। अज जो हुक्मनामा आया, नाम दत्त में इतनी गल नहीं करनी सी, गुरु नानक दे शब्द नो टेक बना के इतनी गल आखी। चारों पासे व्यापार के नाँ पर भी चोरी, राजनीति के नाँ पर भी चोरी, धर्म के नाँ पर भी चोरी, चोरी 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 चोरी, हैरानी की।
ठीक है, पुलिस है, हथकड़ियां ने, जेलां ने, पर कानून बनाण वाले जे चोर होवन ते कौम कानून दी हिफाजत करण वाले चोर होवन। शेख सादी साहब का एक बोल चेते आ रहा है, दुस दे मुहाफिस बद बही खा शैतान नाजम में शवर। दुस्त कहंदे ने चोर, शेख सादी साहब कहंदे ने मैं ते देख के दंग होया, चोर ही रखवाले बने ने, चोर ही पहरेदार बने। दुस दे मुहाफिज, मुहाफिज कहंदे ने रखवाले पहरेदार, दुस्त कहंदे ने चोर। दुस दे मुहाफिज बद बही खा शैतान नाजम में शवद। शहर का जिसने इंतजाम करना होवे ना रक्षा, उन्हों जिले दिश अमन अमान कायम रवे। शेख सादी साहब कहने जिहड़ा नाजम है उते शैतान है, जिहड़ा पहरेदार है उते चोर है, देश दा रखवाला खुदा ही होवे। दुस दे मुहाफिज, भावें ईरानी सूफी सन ते उस समय अपने ईरान की गल करदा है। दुस दे मुहाफिज बद बही खा शैतान नाजम में शवन। जिसने इंतजाम करना है सारे शहर का, सारे जिला, उते शैतान। भोला समाज सी, ऐसा नहीं सी। व्यापक पद्धर से चोरी क्यों हो गई है? एक ही प्रभाव है मनुख के मन से धन का। जे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी आंदा तो हे गुरु तू कारोबार साडा ठीक चलाई, धन आंदा रहे, भावें तू मिलदा भावें ना मिल, तेरी कोई लोड़ नहीं, साडा कम धंधा चलता है। बंबे विच एक करोड़ापति सज्जन ने लंगर पानी छकण तो बाद क्या गैनी जी अरदास करो, हम धन तो रोज़ का उदे को इतना आंदा है, मेरे ख्याल गिणन वास्ते 8-10 बंदे बैठते हो जो रोज़ दी आमदन। मैं कह गुरमुखो की अरदास करनी है? कह लगे धंधा चलता रहे, होर वादा हो गुरु वादा करे। मैं कह अजे भी रजे आ कोई नहीं, आपकी ग्याथली अर्ज करा केवल धन का प्रभाव। ऐसे मनुख दिया पाठ पूजा दान पुन सेवा सिमरन कथा कीर्तन केवल धन लई है, धर्म लई नहीं, परमात्मा लई नहीं, गुरु लई नहीं। चूंकि समाज चोरां दा है ते धन नूं छुपा के रखना पैंदा है। कबीर कहिंदे ने हीरे ते गली गली पए ने, हर पासे पए ने, कोई लुटदा ही नहीं, कोई चुरांदा ही नहीं। ए वाक भी सुन, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम दा नाम वडमुला हीरा है, दुनिया की सारी दौलत निछावर की जा सकती उस हीरे का। कबीर कहने जितना लुटना है लुट लै, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे। लुटिया नहीं, चुराया नहीं, बाज पश्चाताप होवेगा। संसार विच कीती हुई धन दी चोरी, बेमानी, ठगी, अंतिम समय सिवाय पश्चाताप तो होर कुछ नहीं होंदा। अंतिम समय मनुख रोंदा है ते पिटदा है ते सारे दुखां दे भोग भोगने पैंदे ने, ऐसे ही शब्द च आ जाएगा। लेकिन राम नाम लुटिया नहीं, चुराया नहीं, अंतिम समय बस यही पछतावा होवेगा, मैं नहीं लुटिया, काश लुट लैंदा, काश लुट लैंदा।
ਧਨ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਲੁਟੇਰੇ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਪਕੜ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ, ਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਭਾਵਪੂਰਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ। ਚੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੀ ਚਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਦੌੜਾਂ। ਚੋਰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਅਤੇ ਦਾਨ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਖੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਖੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਖੋ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਫਿਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜਦ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਡਾਕਾ ਡਾਲਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਮੰਗ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਧਨਾਸੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਾਕ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਰ ਸਲਾਹੇ ਕੀਤਨਾ ਭੀਜਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਚੋਰ ਪਕੜਾ ਜਾਏ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹਾਕਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਾਂ। ਚੋਰ ਸਲਾਹੇ ਚੀਤ ਨਾ ਭੀਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਭਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ ਬੋਲੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਦ ਪਕੜੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ, ਹਾਕਮ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂਜੀ।